गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके सामने पी वाई क्यू लेके हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पी वाई क्यू को रटना मत। आप इसको जो रोंग आंसर है और जो राइट आंसर है, राइट के साथ आपको रोंग स्टेटमेंट भी देखनी है और रोंग के साथ आपको राइट स्टेटमेंट भी देखनी है, जिससे आपके एक क्वेश्चन के 6 से 7, 7-8 क्वेश्चन निकलते रहेंगे और आप आराम से एनडीए के एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि एग्जाम का पैटर्न जो बनता है ना, एग्जाम का पैटर्न सेम वही पैटर्न होता है जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम का पैटर्न गया है। अब जो लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर पैटर्न गया है, तो क्वेश्चनों की स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है या क्वेश्चनों को पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन उसी ईपी सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब बच्चों आपको देखना यह है कि अगर आप पी वाई क्यू अच्छे से कर लेते हो तो फिर क्या होता है कि आप आराम से क्वेश्चनों का पैटर्न समझ पाओगे और आराम से क्वेश्चनों को निकाल पाओगे। तो बच्चों आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा। ये बच्चों पीवाईक्यू जो हमारी है वो 2020 से रिलेटेड है, 2020 से रिलेटेड है, और 2020 का हम पहला क्वेश्चन आज लेके हाजिर हो रहे हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहेगा वो एनडीए 2020 अप्रैल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, और एनडीए 2020 अप्रैल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इन द ईयर 1928 ए कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द कमिटी वाज हैंडेड बाय। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला गया। तो साइमन कमीशन ने बच्चों अपनी रिपोर्ट जब भारत को, भारत के लिए सौंपी, ब्रिटेन के संसद भवन में पेश की, तो भारत ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। भारत के लीडर ने उस लीडरों को, लीडरों ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। जब भारत की कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर स्वराजिस्ट पार्टी, अलग अलग पार्टियों ने इस बात को नहीं माना, तो बच्चों अंग्रेजों ने हमें एक चैलेंज दिया कि भाई आप एक काम कीजिए, आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के ले आइए जो सब पार्टियां माने, यानी कि भारत की सारी जनता माने, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बच्चों इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी क्रम में बच्चों दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया सभी पार्टियों का, और उस सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि सारी पार्टियां मिलकर भारत देश को आजाद करवाने के लिए और भारत को एक नया संविधान देने के लिए मिलकर एक संविधान का निर्माण करेगी। तो बच्चों एक्चुअल में इस रिपोर्ट को मोहम्मद अली जीना ने नहीं माना था, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी उसको माना नहीं था मोहम्मद अली जीना ने, और नेहरू रिपोर्ट 1929 को पेश की गई। और उसके बाद बच्चों यही वो समय था जब भारत का पहला तिरंगा भी फहराया गया, और आज जो हमारा अभी रिपब्लिक डे निकला है तो 26 जनवरी 1930 को पहला भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसी को हृदय में संजोए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, यानी कि उसी को हृदय में सजोए रखने के लिए। और बच्चों यही 31 दिसंबर 1930 का डे था जिस दिन हमने पहली बार भारत का तिरंगा रावी नदी के तट के ऊपर फहराया था लाहौर में, जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन था, कॉन्फ्रेंस थी। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि जो कमेटी बनी कांग्रेस लीडर की, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो बच्चों इसकी अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी तो नहीं थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत रहेगा, टी बी सप्रू ये भी नहीं थे बच्चों, और जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और डायरेक्ट बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब बच्चों देखो डायरेक्ट पूछा गया है, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा के गया हूं और ये क्वेश्चन निकाल के मैंने डायरेक्ट दिया भी था आपको, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया है 2020 के एग्जाम में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोरस द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। भाई गांधी जी ने सत्याग्रह की टेक्निक कहां से ली, आंदोलन करने करने की प्रक्रिया को कहां से सीखा। तो बच्चों मैंने बताया था गांधी जी का जन्म हुआ 1869 भारत में, गुजरात में हुआ, और उसके बाद 1893 में गांधी जी चले गए
साउथ अफ्रीका। गांधी जी एक लॉयर थे। एक्चुअल में बच्चों ये ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे गांधी जी। अब कुछ लोग इन्हें मतलब ये समझते हो कि गांधी जी तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, नहीं ऐसा नहीं था। नॉर्मल पढ़े लिखे थे और नॉर्मल स्टूडेंट थे। ये टेंथ इन्होंने की और उसके बाद लॉ की डिग्री ली, और लॉ की डिग्री लेने के बाद ये दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, एक भारतीय व्यापारी थे, अफ्रीका चले गए। और बच्चों यहाँ पे इनके साथ एक घटना घटती है कि इन्हें जिस ट्रेन में ये सफर कर रहे थे उस ट्रेन से इन्हें नीचे फेंक दिया जाता है कुछ अंग्रेज लड़कों के द्वारा, और फिर वहीं से गांधी जी का असली आंदोलन स्टार्ट होता है। तो हमें राइट ऑप्शन पे जाना है। तो गांधी जी इंग्लैंड तो नहीं गए थे, तो इंग्लैंड गलत रहेगा। नॉर्थ अफ्रीका में भी गांधी जी नहीं थे क्या? इथियोपिया, नाइजीरिया या टर्की में गांधी जी थे? तो नहीं थे। इंडिया, इंडिया में तो थे लेकिन बाद में आए अफ्रीका से। तो गांधी जी का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? साउथ अफ्रीका। राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2020 फास्ट से रिलेटेड था। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन जो कि मैं डायरेक्ट करवा भी चुका हूं आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से गांधी जी से रिलेटेड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च? एनडीए 2020 फास्ट का क्वेश्चन, एनडीए 2020 का अप्रैल एग्जाम का क्वेश्चन कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। और बच्चों यही वो वॉइसरॉय है जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देने की परमिशन भी दी थी। अब देखो गांधी जी का जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो गांधी जी ने इरविन से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, जिसकी वजह से बच्चों युवा कांग्रेसी और एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल के लीडर थे उन्होंने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए। तो बच्चों सिंपल सा आंसर लॉर्ड इरविन, यानी कि ए आंसर इसमें आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा, थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। बच्चों फिर से गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो गांधी जी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए? 3 क्वेश्चन लगातार गांधी जी से रिलेटेड पूछे गए 2020 में। अब हो सकता है आगे और क्वेश्चन मिले हमें गांधी जी से रिलेटेड। तो ये भी एनडीए 2020 फास्ट का क्वेश्चन बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन वॉज हाईली स्पेक्टिकल ऑफ गांधी जी डांडी मार्च इनिशियली बट विद इन ए वीक कंप्लीटली चेंजेस इट ओपिनियन एंड सैल्यूटेड हिम एज ए संत एंड स्टेटस मैन? बच्चों क्या पूछ रहा है? सिंपल सा ये पूछ रहा है कि भाई एक अमेरिका की मैगजीन थी और वो मैगजीन पहले गांधी जी की दांडी मार्च को शंका की नजरों से देख रही थी, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही उसने अपना विचार चेंज कर लिया, अपनी आइडियोलॉजी चेंज की और उसने गांधी जी को स्टेट पर मतलब स्टेटमैन का दर्जा दिया और इसके साथ भारतीय संत महात्मा का दर्जा गांधी जी को दिया। तो बच्चों इसका राइट आंसर हम देखेंगे कि कौन सा है। तो सैटरडे इवनिंग पोस्ट बच्चों ये गलत है, रीडर डाइजेस्ट ये भी गलत है बच्चों, लेकिन इसका राइट आंसर टाइम रहेगा क्योंकि टाइम मैगजीन किसकी थी बच्चों? अमेरिका की थी, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट जब हम हिस्ट्री कवर कर रहे थे, हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट ये बताया था कि जब गांधी जी का दांडी मार्च हुआ तो अमरीकी मैगजीन ने उसके बारे में लिखा, दांडी मार्च के बारे में लिखा। और यही वो समय था बच्चों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की जा सकती है। जब नेपोलियन क्रांति करके पेरिस में राजा बनने जा रहा था, यानी कि फ्रांस का किंग बनने जा रहा था, तो नेपोलियन की क्रांति से भी इसको रिलेटेड किया जाता है। और यह कथन किसने कहा था बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? कि भाई पैसेंजर ट्रेन को इंग्लैंड में कब चलाया गया और पैसेंजर ट्रेन को कब चलाया गया? अब बच्चों मान लो यही क्वेश्चन चेंज करके भारत से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि भारत में पैसेंजर ट्रेन को कब चलाया गया, तो भारत में स्टीम इंजन की पैसेंजर ट्रेन को 1853 में चलाया गया। पुणे टू ठाणे या बॉम्बे टू ठाणे पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन चली।
अब ये भारत का क्वेश्चन तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे, लेकिन इस बार इसने 2020 में क्या पूछा है, एनडीए 2020 फर्स्ट में इसने क्या पूछा है कि इंग्लैंड में किस साल चलाई गई। तो बच्चों इंग्लैंड में 1825 में ये ट्रेन चलाई गई थी, और जब हम रेलवे को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया भी था कि स्टीम इंजन कब आया, रेलवे को कब चलाया गया, और रेलवे का आविष्कार इनोवेशन किस प्रकार हुआ, तो ये हमने किया था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों फिर से सिंपल क्वेश्चन, फिर से सिंपल क्वेश्चन, एनडीए 2020 का फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन, यानी कि अप्रैल एग्जाम का क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइनड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945 एट द, क्या पूछ रहा है भाई ये, सिंपल सा ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना उसके जो 51 मेंबर थे, फर्स्ट टाइम 51 मेंबर थे, उन्होंने कहां बैठ के उसके ऊपर सिग्नेचर किया, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जहां पे सिग्नेचर किया गया। तो बच्चों सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिग्नेचर किया। तो बच्चों आपको क्या करना है, डायरेक्ट सी आंसर यहां पर करना है, हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा जाए कि कौन से में नहीं किया, और एक दो तीन चार ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, तो फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने 51 मेंबर्स ने यूनाइटेड नेशन का निर्माण किया। और यूनाइटेड नेशन कब बना बच्चों, तो एक्चुअल में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया तो सारे राष्ट्र दोबारा से ना लड़े, यानी कि कोई नेशन के बीच में लड़ाई हो तो यूनाइटेड नेशन वहां जाके शांति स्थापना करवा दे, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों बड़ी ही लेंथी स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ी लेंथी स्टेटमेंट, और बच्चों ऐसे क्वेश्चन फैकल्टी छोड़ देती है, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन फैकल्टी करवाती नहीं क्योंकि फैकल्टी के बस की बात है ही नहीं। अब भाई इतनी लेंथी स्टेटमेंट को मैं कहता हूं समझने में ही एक घंटा लग जाता है, बट बच्चों मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और जीरो से हीरो बनाना है आपको। अब देखो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस परमानेंट सेटलमेंट और रूरल सोसाइटी इन बंगाल, एनडीए 2020 फर्स्ट अप्रैल का क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और मैंने बताया था भारत में टैक्स के सिस्टम को लेकर अंग्रेजों की लैंड पॉलिसी थी वो तीन टाइप की थी, पहली परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था, दूसरी रेयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। इनके अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग भारत का 19% एरिया बंगाल बिहार उड़ीसा, रेयतवाड़ी व्यवस्था के अकॉर्डिंग 30% एरिया मद्रास मुंबई, और रेयतवाड़ी के अकॉर्डिंग 51% एरिया मद्रास बॉम्बे, 51% एरिया, 51% लैंड, और महालवाड़ी के अकॉर्डिंग 30% एरिया, तो हो गया पूरा 100% भारत। तो भारत में कितने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई, तो तीन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई। बट अभी किसका पूछ रहा है, परमानेंट सेटलमेंट का पूछ रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जब परमानेंट सेटलमेंट की हम बात करते हैं तो बच्चों देखते हैं हम, जमींदार इन्वेस्टेड कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर अलोंग लाइंस ऑफ ब्रिटिश यमन फार्मर, कि भाई जिनके साथ परमानेंट सेटलमेंट किया उन्होंने भरपूर मात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया, तो क्या ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको, बिल्कुल नहीं किया, वो उदासीन हो गए क्योंकि उनका तो फिक्स हो गया ना, किसान के साथ फिक्स हो गया, 1/10 1/10 किसान से लेंगे और 1/11 वो किसान से अपने लिए लेंगे, 1/10 राजकोष में जमा कर देंगे, अंग्रेजों के पास जमा कर देंगे, तो उन्हें क्या मतलब था एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब बच्चों सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, ए ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट नाउ एज ए जोटेदार सक्सेसिड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजिशन इन द विलेज, मैंने बताया था बच्चों जोटेदार सिस्टम था बंगाल में, और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो पूछा जा रहा है पीजेंट ग्रुप, तो कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनको जमींदार को जब रेवेन्यू मिला
तो जमींदार ने अपने आप को और ज्यादा विकसित कर लिया, लेकिन उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया आगे, तो किसान की फसल में तो बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो फसल की इनकम थोड़ी ना बढ़ेगी, फसल थोड़ी ना बढ़ेगा, प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ेगा। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो पूरी तरह राइट ऑप्शन रहेगा, लेकिन ए गलत है। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं। द राइट्स प्रोवाइड ए रिजल्ट ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू लेवी इंपोज्ड ऑन देम। भाई इन्होंने क्या बोला, मिश्रित राजस्व रेवी, यानी कि रेतों के ऊपर मिश्रित राजस्व लेवी के नियंत्रण होंगे, मिक्सिड सिस्टम हो गया। अब जो रेत थे किसान के ऊपर, अंग्रेजों का भी कंट्रोल, जमींदारों का भी कंट्रोल, अंग्रेजों को भी टैक्स देना पड़ता, जमींदारों को भी कंट्रोल देना पड़ता, बिचौलिए बन गए जमींदार, लैंड के मालिक कौन, जमींदार, किसान मजदूर बन गया। तो बच्चों थर्ड स्टेटमेंट भी रहेगी हमारी पूरी तरह क्या रहेगी, गलत स्टेटमेंट रहेगी। इसके बाद फोर्थ में देखते हैं, द सिस्टम ऑफ कलेक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार फेल्ड टू टेक ऑफ। पूरी तरह बच्चों गलत स्टेटमेंट, पूरी तरह गलत स्टेटमेंट। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा बी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से मैंने देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एनडीए 2020 फास्ट एग्जाम में। देखो बच्चों मैंने बताया था एक संथाल रिवोल्ट हुआ था, पहाड़िया रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, ये जनजातियों के विद्रोह थे, और जनजातियों के विद्रोह थे तो जनजातियों से रिलेटेड यहां पर पूछा गया है कि व्हाट वाज दामनी कोह इन राजमहल एरिया। दामनी कोह राजमहल एरिया में दामनी कोह किस किसको बोला गया, तो किसको या किससे रिलेटेड था, तो इसकी बात करते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथाल। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है, ए इज द राइट। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं हम। द लैंड ऑफ द पहाड़िया कल्टिवेटेड एक्सक्लूसिवली ऑफ एक्सक्लूसिवली फॉर पेडी, पेडी मतलब धान। क्या ये लोग संथाल लोग धान की खेती करते थे, बिल्कुल गलत भाई, नहीं करते थे, तो भी गलत रहेगा। तीसरा, द ब्रिटिश टेरिटरी मार्केट फॉर देयर मिलिट्री कैंप। भाई इस टेरिटरी को मिलिट्री कैंप के लिए चिन्हित किया गया था, नहीं गलत, ऐसा नहीं था। फोर्थ, द लैंड आयरन मार्केट फॉर द लोकेटिंग सेटल एग्रीकल्चर। पूरी तरह गलत स्टेटमेंट बच्चों, पूरी तरह गलत स्टेटमेंट। राजमहल क्षेत्र में दामनी को है क्या था, तो आपको क्या बोलना है, ए स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी, और हो सकता है बच्चों अगली बार इस स्टेटमेंट को चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए कि अगली बार इसी स्टेटमेंट की, इसी स्टेटमेंट में चेंजिंग करके आपको दोबारा से स्टेटमेंट पूछ ली जाए, तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि राइट के साथ साथ रोंग भी आपको करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ी लेंथी स्टेटमेंट दी गई है बच्चों, देखो ये मैंने आपको बताया था ये लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, मोस्टली क्या करते हैं फैकल्टी छोड़ देती है, यानी कि नहीं करवाती, बट बच्चों मेरे साथ ऐसा नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्ट आप वॉरियर एकेडमी की साइट पे भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन हम यहां पे वन बाय वन करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, जो कि एनडीए 2020 फास्ट से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। भाई 1857 का रिवोल्ट जो था, क्रांति जो थी, उससे रिलेटेड इन्होंने ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, और हो सकता है अगली बार ये नोट ट्रू पूछ ले, नोट करेक्ट पूछ ले, और नोट करेक्ट पूछ लेंगे तो भाई हो सकता है क्वेश्चन यही हो लेकिन उसमें क्या हो, नोट करेक्ट, नोट ट्रू हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें करना है। इट वॉज ए रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज ए प्लानिड बाय द राजास नवाब एंड तालुकेदार। क्या भाई
ये जो रिवोल्ट था नवाब राजा महाराजा तालुकेदार प्लान बना के किया था, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बच्चों, ऐसा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। और ये रिवोल्ट मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ, यानी कि इमीडिएट रीजन था, लेकिन इसके पीछे बहुत से रीजन थे, पॉलिटिकल काउजेस थे, इकोनॉमिकल काउजेस थे, सोशल काउजेस थे, रिलीजियस काउजेस थे। उससे ये रिवोल्ट स्टार्ट होने के लिए, यानी कि पेट्रोल पहले ही तैयार पड़ा था, और माचिस की तीली किसने डाल दी? मंगल पांडे ने डाल दी, चर्बी वाले कारतूसों ने डाल दी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। रूमर्स एंड प्रोफेसेस डिड नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स आउटब्रेक एंड सेपरेट, बिल्कुल गलत है। इन्होंने क्या कहा? अफवाहें थी, अफवाहों की वजह से रिवोल्ट हुआ, अफवाहों के प्रकोप में रिवोल्ट हुआ, बिल्कुल गलत। अगली स्टेटमेंट बच्चों, द रिबेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपीलिंग टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। बच्चों इस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया कि जाति और घनी आबादी वाले में बार बार अपील की गई और उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ऐसा नहीं था, कोई अपील नहीं की गई, बिल्कुल सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद हम डी पे चलते हैं। द ब्रिटिश सक्सीड इन क्विकली एंड इजिली कंट्रोलिंग द रिबेल्स। भाई इस क्रांति को ब्रिटेन ने इजिली रोक दिया, और हम देखते हैं कि 7-8 महीनों में ब्रिटेन ने दिल्ली से लेके बंगाल तक फिर से कंट्रोल कर लिया। और इसका राइट आंसर बच्चों क्या रहेगा? तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बच्चों फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, एनडीए 2020 फास्ट से रिलेटेड, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील प्रिंसिपल किसके साथ हुआ बच्चों? तो जब हम पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना दोनों को हमें लेना पड़ता है, इंडो प्लस चाइना, इंडो प्लस चाइना के बीच में बच्चों पंचशील समझौता हुआ, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और चाइना के भाई माओ त्से-तुंग बड़े लीडर। एक्चुअल में बच्चों इंडिया आजाद हो गया 1947 में, 1947 में ही, और चाइना आजाद हुआ 1949 1949 में, माओ रिवोल्यूशन, माओ त्से की क्रांति हुई। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस भाई सह अस्तित्व के सिद्धांत को कबूल किया गया, बिल्कुल सही बात है, तो राइट रहेगा। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? वाज नॉट करेक्ट नहीं है, और हो सकता है अगली बार यहां पे पूछ लिया जाए वाज करेक्ट, तो क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए। अब बच्चों दूसरा इन्होंने पूछा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी इंटीग्रिटी। भाई एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाएगा, बिल्कुल राइट बात थी भाई, ये भी सही था। तीसरे को एक बार आप छोड़ दो बच्चों, हम चौथे पे चलते हैं। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। क्या एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो फोर्थ भी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। अब बच्चों नोट करेक्ट पूछा, तो न्यूक्लियर डिटरेंस, क्या एटमिक एनर्जी से लेके, एटमिक पावर से लेके, एटमिक बॉम्ब से लेके यहां पे कोई ट्रीटी हुई थी? तो आपको बोलना है नहीं हुई, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पे क्या पूछ रखा है? नॉट करेक्ट। और अगर करेक्ट पूछा होता तो बच्चों तीनों क्या होते? हमारे करेक्ट होते और सी हमारा नॉट करेक्ट होता। तो बच्चों क्वेश्चन को पूछने का तरीका, यानी कि पी वाई क्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि पेपर का पैटर्न वही होता है, बट पेपर के पैटर्न में क्या होता है, यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी, और जब स्टेटमेंट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसी क्वेश्चन से बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। चाइनीज रिवोल्यूशन निकल गया, इंडिया का निकल गया, भारत के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे पता चल गया, पंचशील किसके बीच में हुआ? पंडित नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। तो एक क्वेश्चन से 6 से 7-8 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है? एनडीए 2020 अप्रैल एग्जाम से। अब देखो बच्चों
who among the following had organized it in 1904 a secret society of revolution. Revolution is named Abhinav Bharat. कि भाई अभिनव भारत सोसाइटी को किसने बनाया और अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन आया है बच्चों. तो यहां पे पहला ऑप्शन था खुदीराम बोस. सबसे कम उम्र का शहीद, सबसे कम उम्र का शहीद, 15 साल की एज में बच्चों फांसी के फंदे को झूल गया लड़का खुदीराम बोस. जिस एज में आप सोना बाबू करते रहते हो उस एज में यह बच्चा आजादी के लिए फांसी के फंदे पे था. अब दूसरा ऑप्शन दिया श्याम जी किशन वर्मा. इंग्लैंड में लंदन हाउस की स्थापना करते हैं इंग्लैंड में, और इनके साथ वीडी सावरकर भी थे. ये वही लोग हैं आगे चल के ये श्याम जी किशन वर्मा पेरिस में स्थापित हो गए, पेरिस में चले गए क्योंकि गिरफ्तारी से बचना था. और इन्हीं के एक दोस्त ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी, कर्नल वाइली की गोली मार दी इंग्लैंड में. एक्सट्रीमिस्ट हरदयाल गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बना दी. और ये सारे मैंने बच्चों आपको वन बाय वन पढ़ाए. अब हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, एक ही, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत संघ. और बच्चों महाराष्ट्र ही वो धरती है जहां से 1897 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूका एक्सट्रीमिस्ट ने. दामोदर और बालकृष्ण ने लेफ्टिनेंट रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी. वहां के प्लेग कमिश्नर थे ये. एक्चुअल में प्लेग बच्चों चूहे से फैलने वाला रोग था. और हम देखते हैं कि वीडी सावरकर ने आगे चल के वहां पे अभिनव भारत संघ की स्थापना की. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं बच्चों. तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2025 से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए 2020 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. The principle that the forming of the new constitution for the independence India should be primarily, though not solely, the responsibility of Indian themselves was for the first time conceded in. बच्चों सिंपल सा कि यह सिद्धांत स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान के निर्माण मुख्य रूप से समय भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पहली बार कब स्वीकार किया गया, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को कब स्वीकार किया गया, और यह भारतीयों की जिम्मेवारी थी. अब बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर तो रहेगा अगस्त ऑफर ऑफ वॉइस रॉय लिलिथ को, यानी कि अगस्त प्रस्ताव में इसे एक्सेप्ट किया गया. और अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया, लिलिथ को, क्योंकि बच्चों इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हालात खराब हो गई थी. जापानी अंडेमान निकोबार को कंट्रोल कर चुके थे, म्यांमार अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया जापानियों के हाथ में. और अब जापानियों का अगला टारगेट भारत. सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को लेके भारत की पूर्वोत्तर बॉर्डर पर आगे बढ़ रहे थे. अंग्रेजों के सामने अपने आप को बचाने की चुनौती थी, भारतीयों का सहयोग लेने की चुनौती थी. और अंग्रेजों ने इसी क्रम में बच्चों लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर देके भारत भेजा. तो बच्चों राइट आंसर क्या रहेगा, बी. इस प्रकार बच्चों आज हमने फिर से कुछ क्वेश्चन किए पीवाईक्यू के, जो कि हमारे 2020 से रिलेटेड थे. तो बच्चों कल फिर हम नेक्स्ट स्लाइड यानी कि 2021 से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे. इतने तक बच्चों आपको करना क्या है कि आपको इनकी राइट स्टेटमेंट के साथ साथ रॉन्ग स्टेटमेंट को भी देखना है. और जब आप रॉन्ग स्टेटमेंट को देखोगे तो ये जो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के आपके 10 क्वेश्चन निकल के आपके सामने आएंगे. तो बच्चों आपको राइट और रॉन्ग दोनों स्टेटमेंटों को करते हुए जाना है. जय हिंद जय भारत.